नमस्ते, आज हम बनाएंगे इस सेम है इस सेम का भरता। बहुत अच्छा होता है। पहले हम इसे ऐसे निकालेंगे, इसका जो होता है ना ऐसे ऐसे बराबर निकलता, नहीं तो हम ऐसे तोड़ तोड़ के निकालेंगे। ऐसे इसमें सूता जो है ना नहीं होना चाहिए, नहीं तो खाने में ना स्वाद बिगाड़ देता है। ऐसे निकालें, इस तरह इस तरह से निकाले तो इसमें एक भी सूता नहीं रहेगा और जो है भरता बहुत अच्छा बनता है। हमारे यहाँ इसे सेम कहते हैं। ऐसे करने पे निकल तो जाता है ऐसे, लेकिन इस पूरे तरीके से नहीं निकलता क्योंकि बीच में छोटे छोटे रेसे रहते हैं ना, इसलिए तोड़ के निकालना पड़ता है। तो आप इस तरह से निकाले बहुत बढ़िया होगा। ऐसे अब देखने में लग रहा है ना ये निकल गया है, लेकिन बीच में तोड़ने के बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा रेसा निकलता है छोटा छोटा। तो मैंने इसे साफ कर लिया है। अभी आलू 5-6 या 3 टमाटर अब हम इसे रखेंगे कुकर में उबलने के लिए। पहले हम इसमें आलू डालेंगे, इसके बाद इसे डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे आलू उबलने के लिए और एक टमाटर। अब हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे, उसके बाद अब हम गैस पे रखेंगे। इसे 3 सीटी के बाद हम उतारेंगे, फिर आगे के बाद काम करेंगे। अभी हमारा 3 सीटी पे मैंने कुकर को उतारा है। अभी ठंडा जब तक होगा तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। एक कुकर मेरा ठंडा हो गया है, हम इसे बाहर निकालेंगे, थोड़ा और ठंडा होगा तब हम इसे। और ये है मसाले, हरा धनिया, लहसुन, मिर्चा और एक प्याज। ठंडा हो गया, अब हम इसे मीजेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये काटना है इसे, लहसुन वगैरह। मैंने 4-5 मिर्ची इसलिए ली कि ये छोटे छोटे हैं, आपको तीखा जितना पसंद हो उतना ले लीजिए। अब हम इसे ऐसे हाथ से मीजेंगे, टमाटर वगैरह सब। ये मैंने मीज लिया, मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब हम चलेंगे गैस की ओर।
मैंने कढ़ाई में तेल पहले से रखा है, अब हम डालेंगे दालचीनी, ये बड़ी इलायची, दो चार काली मिर्च और लौंग। अब हम इसमें डालेंगे पंचफोरन, डालेंगे प्याज, इसमें धनिया, हल्दी ये सब मसाले वगैरह नहीं पड़ते, नहीं तो इसका जो स्वाद है ना टेस्ट नहीं आता चोखे जैसा। हम इसे घर का बना रहे हैं तो इसलिए हम इसी तरीके से बना रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो आप मसाले डाल सकते हैं, लेकिन खाने में ना ये टेस्ट नहीं आएगा। प्याज मेरा ना गोल्डन कलर हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें हींग थोड़ी सी, हम इसमें डालेंगे हल्का, पांच मिनट तक ना धीमी आंच पर ढक देंगे, उसके बाद इसे खोलेंगे। धीमी आंच से क्या होता है ना ये सुलझा जाता है, अगर आंच तेज रही तो ये जल जाएगा, इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। पांच मिनट हो गए, जब ये भरता ना करा हमें ऐसे लगने लगे तो मान लो ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, जो आपकी रेडी है जैसे मैंने बताया इस तरह बना के एक बार जरूर खाए। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद। और हाँ, इसे ना पूरी के साथ खाएंगे तो और अच्छा लगेगा, रोटी चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। और हाँ, इसे खाते समय ना प्याज और नींबू लेना मत भूलें, बहुत टेस्ट आता है खाने में। धन्यवाद।